सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पढ़ेंगे पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे और इसका टेस्ट भी लगाएंगे। जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल में रेगुलर बने रहें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले समझेंगे पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ होता क्या है इसके बारे में समझेंगे और इसके कुछ मुख्य भाग भी देखेंगे। तो पोषक पदार्थ देखिए, पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो जीवों के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन के लिए जो आवश्यक होते हैं वो पोषक पदार्थ होते हैं। और इसके एग्जाम्पल पोषक पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, ये सब पोषक पदार्थ के मुख्य भाग होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जल और खनिज ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाता है कौन कार्बनिक पदार्थ है, कौन अकार्बनिक पदार्थ है। और जो शरीर को ऊर्जा उत्पादन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, ये शरीर को ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो शरीर को मरम्मत और निर्माण करने का कार्य करता है, प्रोटीन। और जो रोगों से बचाव करने वाले पदार्थ होते हैं वो विटामिन्स हो गया और खनिज हो गया, ये सब रोगों से बचाव करने वाले पदार्थ होते हैं। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे और इसके कुछ भाग भी समझेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और इसका रेशियो में बना होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और शरीर में 50 से 75% ऊर्जा प्रदान कार्बोहाइड्रेट ही करता है। और इसके प्रमुख स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे गेहूं, चावल, आलू, बाजरा, फल, दूध आदि, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। और जो क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये सब कार्बोहाइड्रेट के भाग होते हैं। और जो मोनोसैकेराइड होता है, पहले समझेंगे मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड मुख्यतः मीठा होता है, स्वाद में मीठा होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी शर्करा जो होती है फ्रक्टोज होती है। यह पके फलों में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। और अब समझेंगे डाइसैकेराइड, और ये भी स्वाद में मीठा होता है, जैसे सुक्रोज हो गया और माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। और जो ये माल्टोज होता है यह अंकुरित बीजों में पाया जाता है, और ये जो लैक्टोज होता है वह दूध में पाया जाता है। तो ध्यान से एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और जो लैक्टोज होती है वह मानव माता के दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लैक्टोज। और अब समझेंगे पॉलीसैकेराइड, यह स्वादहीन होता है, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। और जो ग्लाइकोजन होता है वो मानव के यकृत में संचित रहने वाली जो शर्करा होती है वो ग्लाइकोजन होता है। और जो स्टार्च होता है, जैसे आलू अनाज में यह मिलता है, पाया जाता है स्टार्च। ये एक बार दो बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो अब समझेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्रोटीन शब्द एक वैज्ञानिक, बर्जेलियस वैज्ञानिक थे, वो सबसे पहले दिए थे इसका नाम।
और जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। और जो प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत होते हैं जैसे सोयाबीन, दाल, मछली, अंडा, मटर आदि सब प्रोटीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में, उसके बाद मूंगफली में मिलती है। तो ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा आप लोग। और दूध में पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो केसिन होती है। जो दूध में पाए जाने वाली जो केसिन प्रोटीन होती है वो केसिन होती है। और जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है जैसे जैसे क्वाशियोर्कर हो गया और मरासमक रोग होता है। तो क्वाशियोर्कर जो रोग होता है इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो दुबले पतले पेट बाहर की ओर निकल जाता है तो वो क्वाशियोर्कर का मरीज हो जाते हैं। और जो मरासमस जो रोग होता है इसमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी मांसपेशियां ढीली हो जाती है, जो बुढ़े टाइप के नहीं दिखने लगते हैं वही वो मरासमस रोग होता है। तो अच्छी तरह से प्रोटीन के बारे में आप लोग एक बार और समझ लीजिएगा। और प्रोटीन ही नाखून और त्वचा में जो निर्माण होता है उसका सहायक होता है प्रोटीन ही। तो आप समझेंगे वसा के बारे में। तो वसा क्या होती है अच्छी तरह से इसके बारे में समझेंगे। तो जो वसा होती है यह ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है और यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है वसा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण होता है वसा। और जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से देखने को मिलेगा कि 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और शरीर में इसका संश्लेषण मतलब वसा का माइटोकांड्रिया में ही होता है। तो ध्यान से एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और आप समझेंगे जल के बारे में। जल के बारे में समझेंगे तो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। और जो मानव शरीर में 65 से 75% जल ही पाया जाता है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, मनुष्य में 65 से 75% जल ही पाया जाता है। और जो जल की कमी से जो निर्जलीकरण एक रोग होता है जिसको कैराटोसिस बोलते हैं हो जाता है। तो निर्जलीकरण हो जाता है जल की कमी से। और अगर देखेंगे कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब दूषित जल रहेगा अगर उसका जो मात्रा ज्ञात करते हैं कि स्वच्छ है कि दूषित है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वह दूषित हो जाता है। तो अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, सब जितना भी हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, सबके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो सबका अंतर मालूम हो जाएगा आप लोगों को। तो आप समझेंगे खनिज के बारे में। तो खनिज होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो जो खनिज होते हैं शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, सोडियम आदि अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। और जो कम मात्रा होती है जैसे शरीर को कम मात्रा आयोडीन, लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि सब कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ध्यान से देख लीजिएगा दोनों। और ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। और आयोडीन की कमी से गेगा रोग हो जाता है। तो दोनों अच्छे से समझ लीजिएगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग और आयोडीन की कमी से गेगा रोग। तो आप समझेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो विटामिन शब्द एक फंक वैज्ञानिक थे वो सबसे पहले दिए थे। विटामिन शब्द फंक एक वैज्ञानिक थे वही दिए थे। और विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आज सूर्य के किरण में विटामिन डी पाया जाता है,
ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा कि सूर्य के किरण में विटामिन डी पाया जाता है, और जो हमारा शरीर होता है डी और के का संश्लेषण कर सकता है। हमारा शरीर विटामिन डी और के का संश्लेषण कर सकता है। तो सबके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। अब विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है वो साइनो कोबालमीन होता है। तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबालमीन। और विटामिन B6 जल में घुलनशील होता है, ये तो अक्सर देखने को एग्जाम में आपको मिल जाएगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, और विटामिन A, D, E के जो होता है वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे है रहेगा, तो अच्छे से सबके बारे में समझ लीजिएगा, और टेस्ट इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेस्ट जरूर लगाइएगा। टेस्ट लगाएंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ इसमें से याद हो जाएगा, कुछ टेस्ट लगाएंगे तो उसमें से याद हो जाएंगे। तो टेस्ट जरूर लगाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तीनों में अंतर समझ लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो देख लीजिएगा, और 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तीनों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, प्रति ग्राम में सब दिए गए हैं।